जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2022 के बारे में, जिसका डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहां पर आपको एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट डेट्स बताई जाएगी कि कब से आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस भर्ती का ऑफलाइन ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में शाम तक 6 बजे के आसपास आपको ऑनलाइन भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो अभी वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोग जानेंगे कि जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है, यानी कि कब से आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, तो वो आपकी 6 जून 2022 है। यानी कि 6 जून 2022 से आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर पाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए जो आपको वक्त दिया जाएगा, वो आप 20 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपका डिटेल्ड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी यहां पर जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है, अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं अनअकैडमी के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहां पर अनअकैडमी आपके लिए अल्ट्रा कॉम्बैट लेकर के आया है। अगर आप प्रीलिम्स 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही इस कॉम्बैट को ज्वाइन करके, जो कि आपका 1 घंटे का रहेगा। डेट और टाइम यहां पर आपको दिया है। और इस कॉम्बैट को ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल कर लेना है, और ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। तो इसमें दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको प्रिफेयर करूंगा कि आप इसको ज्वाइन करें। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहां पर अगर आपकी इसमें जो रैंकिंग है वो अच्छी आती है, तो आपको यहां पर काफी अच्छे रिवार्ड्स, अमेजन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री में, यानी कि कोई चार्ज भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूं, आप इसको ज्वाइन कीजिए। आपकी काफी सारी नॉलेज यहां से इंक्रीज होने वाली है। इसी के साथ अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 50% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आप अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं बाकी सारे लर्नर के साथ में जो इसके ऊपर एक्टिव है, और अपने आप को रैंक कर सकते हैं। इसका जो फ्लो है कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो स्टेप है वो यहां पर आपको बताया है। आप इनके अंदर चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको इसको फॉलो करना है। इसी के साथ यहां पर डेली T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज रहती है प्रशांत धवन सर के द्वारा, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। इसमें आपके 20 क्वेश्चन 30 मिनट का आपको समय मिलता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होते हैं। इसमें भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जिनका रैंक आएगा 1, उनको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जिनका रैंक 2 आएगा उनको 500, और जिनकी रैंक 3 से 10 के बीच में आएगी उनको 250 रुपये मिलने वाले हैं। और ये फ्री में मिलेंगे। बेसिकली है कि आप अपनी नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर इनाम भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, ज्वाइन कर लीजिए। अभी यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 6 जून 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, क्या मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं जिसको देख करके आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो आपको लिंक एक्टिवेट होने के 30 से 35 मिनट बाद फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इतना वक्त मुझे भी लगेगा उस वीडियो को बनाने में। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना जरूर है। अब जो अन्य एलिजिबिलिटी है हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो आपका पोस्ट है, पहले तो आप वही देख लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है। आप यहां पर जानेंगे वैसे जो ये जो आपकी वैकेंसी है इनको टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की कैटेगरी के अंदर रखा है। और जो आपकी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल 17 वैकेंसी, एज लिमिट 18 से 23 साल, क्लर्क मेल एंड फीमेल 287 वैकेंसी, फिर रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की वैकेंसी है। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो कि 729 है। रेडियो मैकेनिक, आर्मर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, वाशरमैन आया, तो ये सब आपकी वैकेंसी है। कौन सी पोस्ट पर एज लिमिट कितनी रहेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी कि किस पोस्ट पर क्या
क्वालिफिकेशन मांगी है, इसलिए आप यहाँ पर वेबसाइट से ही देख लीजिए, जो कि मैंने तो बहुत ही सिंपल वे में आपको जानकारी दी है। जैसे कि जो आपकी ब्रिज एंड रोड मेल एंड फीमेल की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज, क्लर्क मेल एंड फीमेल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास और टाइपिंग स्पीड जो कि हिंदी या इंग्लिश कोई से भी आप कर सकते हैं। हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। रिलीजियस टीचर की पोस्ट पर ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस ITI रिलीवेंट फील्ड और या फिर आपके पास 12वीं होनी चाहिए नॉन मेडिकल, यानी कि आपने बिना PCM से बेसिकली अगर 12वीं की है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 12वीं के माध्यम से भी। फिर जो आर्मर की पोस्ट है इस पर 10वीं पास, लैब असिस्टेंट पर भी 10वीं पास, नर्सिंग असिस्टेंट पर भी 10वीं पास और आया वाशरमैन की पोस्ट पर भी 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पर 12वीं प्लस डिप्लोमा जो कि आपने वेटरनरी साइंस के अंदर किया हो। एज लिमिट आप यहां पर देख चुके हो कि कौन सी पोस्ट पर कितनी रखी गई है। एप्लीकेशन फीस यहां पर ग्रुप बी की जो पोस्ट है उन पर 200 रुपये ली जाएगी और ग्रुप सी की पोस्ट पर 100 रुपये ली जाएगी, क्योंकि जितनी भी पोस्ट है इनको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है, अगर आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर दोस्तों ये हुई आपकी इसकी जानकारी। अभी हम बात करेंगे आपके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी हाइट रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन बिलो, यानी कि जो नीचे कास्ट या कैटेगरी दी है इनको छोड़ करके सभी के लिए जो हाइट रखी है वो 157 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर आप अन्य कास्ट या फिर कैटेगरी देख रहे हैं इनको जो छूट मिल रही है हाइट अंदर वो यहां पर आपको दी गई है। जो चेस्ट है चेस्ट का माप फीमेल से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मैं यहां पर आपको वेबसाइट से ही ये जानकारी थोड़ा अच्छे वे में बताता हूं। अगर आप यहां पर वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि जो जनरल OBC SC है इनके लिए यहां पर क्या फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट में रहने वाला है और फीमेल के लिए क्या रहने वाला है। ये जो आप यहां पर जानकारी आपने अभी नोटिफिकेशन में भी देखी ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थी, क्योंकि यहां पर फीमेल से ही चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आप यहां पर चेक कर पा रहे कि हाइट जो रखी गई है मेल में वो 170 सेंटीमीटर, ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और ST में 150 सेंटीमीटर। फिर यहां पर जो चेस्ट एक्सपेंशन है यानी कि चेस्ट का जो माप लिया जाएगा वो जनरल OBC SC से लिया जाएगा, जिनकी बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ST में बिना फ्लाई 78 और फुला करके 83 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए जैसे कि मैंने कहा, और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। जो फिर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट आता है इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है या फिर कह लीजिए कि चलना है, 24 मिनट इनको मिलेंगे और फीमेल को 1600 मीटर की और इनको 8.3 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं और इसके अंदर दोस्तों आपको बोला कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं होने वाली है। और फिर आप यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस भी देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही थी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।